हेलो दोस्त दोस्त, चाय मिल जाए सुबह सुबह। तो मम्मी ने सुबह सुबह ही बना दिया भात और दाल। अभी मैं जा रहा हूँ रीठा तोड़ने। भानु तोड़ रहा है। क्या लगा भानु, जुखाम लगा तुझे? दवाइयों में बहुत काम आता है। इससे शैम्पू बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है। 15 किलो तो ले गया लगभग, इतना ही है। लगभग 15 किलो तो होगा इसका वेट, इतना तो तोड़ दिया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी और मुझे वीडियो में आपका बहुत अच्छा प्यार मिला। उम्मीद करता हूँ ऐसी वीडियो को प्यार देते रहें और जो मेरे चैनल पर नए आ रखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अभी मैं हूँ अपने पुराने घर पर। मेरी अम्मा आज है घर पर। अल्लाह जी, मेरी हमारी लाली और बच्चिया। अभी ले जाऊंगा इन्हें थोड़ी देर में, अभी भी इधर ही हूँ। दिखाता हूँ आज का मौसम तुम्हें। मौसम एकदम साफ है आज, कोई बादल नहीं। इन्हें ले चलते हैं बच्चों को उधर के घर में, उधर बांटने के लिए। चलो चल चल ठंड का मौसम और चाय मिल जाए सुबह सुबह गुड़ की। घर में लगाए थे आलू, इतने बड़े हो गए हैं पेड़। पूरा खेत आलू से भरा है। आलू के साथ साथ हो रखे हैं लहसुन, मेरा लहसुन, पूरा लहसुन हो रखा है। इनमें तो ओस पड़ गई। लहसुन के बीच धनिया, धनिया, मेथी, राई सब लगा रखा है। ये लगाया था प्याज, प्याज के बीच से लगाया था। नहीं प्याज तो हुआ नहीं है, थोड़ा सा ही हो रखा है बस, ज़्यादा भी नहीं। एक ये क्यारी ये बनाई थी और एक क्यारी ये रही। प्याज तो लगी नहीं है ज़्यादा, इतना ही है। इस पेड़ में 2-4 संतरे हुए थे, 2-3 तो तोड़ दिए किसी और ने, अब एक दो बचे हैं बस। एक 2-3 ही बचे हैं, बाकी पता नहीं किसने खा दिए। 5-6 लगे थे। ठंड का मौसम, तो मम्मी ने सुबह सुबह ही बना दिया भात और दाल। दाल है हमारी मसूर की, घर की मसूर, दिख रहे काले काले, घर की मसूर की दाल खाते सब। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ रीठा तोड़ने। पापा हो गए हैं तो मुझे बुलाया, चलते हैं रीठा तोड़ने। रीठा पहाड़ी में बोलते हैं रिट्ठू, जिससे अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक चीज़ें बनती हैं, साबुन बनता है इससे। ये जा रहे हैं पेड़ में रीठा तोड़ने, सीढ़ी लगा के। ये लगे ऊपर रिट्ठू, छोटे छोटे काले काले। बचपन में इनके जो अंदर से निकलता है ना काला काला, दादा इसका बीज, उससे खेल खेलते थे, अंठी खेलते थे उससे। अभी गए हैं पेड़ में, यहाँ काजू, काजू है रे मेरे काजू। ज्यादा रीठा तो होने लगा पेड़ में,
और नीचे इतनी झाड़ी है कि क्या बताए तुम्हें, ढूंढने में दिक्कत आएंगी। अभी तो आया हूँ घर गाय बच्चों को पानी देने, फिर जाऊँगा दोबारा नीचे रीठा ढूंढने, तो बताऊँगा आपको रीठा के बारे में कुछ, ठीक है। ये रहा रीठा, तुम्हें बताते हैं इसके बारे में आज। ये रीठा दवाइयों में बहुत काम आता है, इससे बनाया जाता है शैम्पू, शैम्पू बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, बहुत कुछ बनता है इससे। ज्यादातर रीठे से शैम्पू बनाया जाता है इसका, इससे ज्यादातर शैम्पू बनाते हैं। ये रहा रीठा, तोड़ने में इतनी मेहनत लगती है ना, क्या बताएं। पहले पेड़ से तोड़ो, फिर झाड़ियों में चले जाते हैं, फिर ढूंढने में दिक्कत। ये पूरा पेड़ तो काट दिया है, अगली बार इसमें आएंगे तो फिर नई टहनी आएंगी, तब इस बार लॉफिंग कर दी पेड़ की। अभी भानु तोड़ रहा है, क्या लगा भानु, जुखाम लगा तुझे? ये ज्यादातर रीठा गुच्छे टाइम में होते हैं, ये एक गुच्छे में इतने सारे, ये तोड़े तो हैं अभी, भानु तोड़ रहा है, अभी और हैं बहुत सारे ये रखे हैं। यह है वो 30 किलो लगभग, 25 किलो। यो है रो 15 किलो बस एक पेड़। 15-20 किलो का तो है वो फिलहाल, 15 किलो तो लेट गया, लगभग इतना ही है, बाकी दूसरे पेड़ से पापा पकड़ने जा रहे हैं। अभी इसे घर रख के आता हूँ, फिर देखो आते हैं नहीं आते है। अरे हाय, अरे तो हो रहा है, लगता है 20 किलो तो लगभग हो गया ही, लगभग 15 किलो तो हो गया इसका, इतना तो तोड़ दिया है, बाकी पापा तोड़ने गए हैं, देखो कितना होता है आज। तो दोस्तों अभी चलता हूँ मार्केट, मम्मी को दिखाना था डॉक्टर को, तो उसने बुलाया भी, आधा करके चलता हूँ मार्केट, फिर आते हैं घर को वापस। घर तो आ गया मम्मी को दिखा के, अभी खाते हैं खाना दिन का, और कभी दिखाएंगे आपको फुर्सत में मार्केट उत्तराज खान का। तो फिलहाल अभी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।